أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students and viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 11th class history chapter Confrontation of Cultures. In the previous topic, we had discussed Inca civilization, but today our topic is the Mayas. Mayas means the Maya civilization. Discuss the main futures of Maya civilization के कौन कौन से अहम futures थे इसको हम discuss करने की कोशिश. The Maya civilization was important to Mexican civilization. It came into the existence in 1500 BC. तो इसके कौन कौन से futures हैं, ये कैसे decline हुए, आज हम इसके futures पर बात करेंगे. तो पहला फ्यूचर जो माया सिविलाइजेशन का था, जैसे पहले स्लाइड में देख सकते हैं, माया पॉलिटी. द माया रूलरशिप वाज प्रीडोमिनेंट इन नेचर. द ऑफिस ऑफ किंग वाज हेरिडेटरी. माया सिविलाइजेशन की बात हम करेंगे तो ये हेरिडेटरी प्रोसेस पर मुनहसर था. इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए किंग, जब बादशाह मर जाता था, His eldest son used to succeed him. तो उसके बाद उसका जो बड़ा बेटा होता था वो बादशाह बन जाता था. It was mandatory for a king to be a brave. लेकिन Maya civilization की एक ख़ास बात ये थी कि इनका जो king था वो brave होना चाहिए, तो वो बहादुर होना चाहिए. Only a courageous king could expand and safeguard his frontiers to his empire. खाली जो बहादुर होता था, जो निडर होता था, जो काबिल होता था, वो अपने बादशाह की जो बॉर्डर लाइन्स है वो उनको फैला सकता था, अपनी हुकूमत को एक्सपेंड कर सकता था. द किंग यूज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ नोबिलिटी एंड प्रीस्ट. जो किंग था वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता था विद द हेल्प ऑफ नोबिलिटी एंड प्रीस्ट की मदद से. The king used he was served by several slaves of both genders. उसके पास काफ़ी सारे तादाद में slaves होते थे, both genders यानी men and woman. तो दूसरा जो factor था, दूसरा जो future था माया civilization का, वो है classes. दूसरा point है क्लासेस. माया सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लासेस. मुख्तलिफ क्लास में उनको डिवाइड किया गया. मिसाल द प्रीस्टस, पहला क्लास था प्रीस्टस, एंजॉयड द हाईएस्ट सोशल स्टेटस. उनको समाज में काफ़ी मकबूलियत हासिल थी, काफ़ी हाईएस्ट दर्जा हासिल था. द किंग यूज्ड टू सीक देयर ओपिनियन विद रिगार्ड टू ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन. किंग को जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने थे वो मशरावत इन्हीं प्रीस्ट्स के साथ करा. द सेकंड प्लेस इन द सोशल हायरार्की वाज हेल्डेड बाय द नोबिलिटी एंड द प्रीस्ट्स. नोबल एंड प्रीस्ट ये दूसरे दर्जे के लोग वहाँ पर थे. द मैन फ्राम दिस क्लास वर अपॉइंटेड इन ऑल द इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स. जो भी थे इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पर मुंतखब करते थे नोबल्टी एंड प्रीस्ट्स के जो लोग थे उनको. द पीपल बिलोंग टू नोबल्टी एंड टू प्रीस्ट क्लासेस यूज्ड टू वियर वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड लिव अ वेरी लग्जरियस लाइफ. जो लोग बिलोंग करते थे प्रीस्ट्स और नोबल्टी के साथ, इस क्लास के साथ, तो वो बहुत कीमती कपड़े पहनते थे और बहुत ही आरामदेह ज़िंदगी गुजारते थे. They also used to keep several slaves for both genders in their service. उनके पास काफ़ी सारे तादाद में genders यानी men and women थे, slaves थे जो उनकी खिदमत के लिए रखे गए थे. They had to tail very hard make. इसके बाद जो slaves थे उनकी ज़िंदगी बहुत ही परेशान कुन थी. द slaves constitute lowest social status. उनको समाज में सबसे निचला दर्जा हासिल था. Their condition was वेरी बैड. उनकी जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी. इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है माया सिविलाइजेशन का है, वो है एग्रीकल्चर.
तीसरा पॉइंट जो था वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द माया पीपल जो थे, उनका अहम काम था, खाली वो एग्रीकल्चर करते थे। दे क्लियर सिवरल डेंस फॉरेस्ट विद द स्टोन एक्स एंड फायर जंग, काफ़ी सारे जंगल उन्होंने ख़त्म किए थे, क्लियर किए थे फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। तो उनको दे देयर मैन प्रेम, यहाँ का हम कहेंगे प्राइमरी के जो क्रॉप था वो था कॉर्न। इट वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सिवरल रिचुअल फेस्टिवल्स ऑफ द माया पीपल वर रिलेटेड टू द ग्रोइंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। बिसाइड्स इज दे आल्सो ग्रो बीनस पटाटोज एंड कॉटन एट्सेट्रा। ये तीसरा फ्यूचर है माया एग्रीकल्चर का। इसके बाद चलते हैं चौथे पर। रिलीजन, अगर रिलीजन की बात करें तो माया पीपल हैड इनविलेबल फेथ इन रिलीजन। देयर टू मेन गॉड्स वर द सन गॉड एंड द रेन गॉड एट्सेट्रा। वो इनके बहुत बड़े दो खुदा थे। इसके अलावा दे यूज इट कंस्ट्रक्टेड टू फायर गॉड, फॉरेस्ट गॉड, लैंड गॉड, रेन गॉड एट्सेट्रा। दे यूज टू कंस्ट्रक्ट मैग्निफिशेंट टेम्पल्स सेम्पलेटेड ऑडियज इन द मेमोरी ऑफ दियर गॉडस एंड गॉड्स। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स वर अपॉइंटेड फॉर द वेक ऑफ दीज कलासेस। ये उनका रिलीजन था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो कैलेंडर का। बड़ा कारनामा जो है माया सिविलाइजेशन का या मायाज का वो है कैलेंडर। माया द मायनज मेड वाइटल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में इन्हें बहुत काफ़ी मेहनत के। दे प्रिपेयर टू काइंड्स ऑफ कैलेंडर्स, उन्हें दो किस्म के कैलेंडर्स तैयार किए। द फर्स्ट वाज सोलर कैलेंडर, जिसे सोलर का इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ 365 डेज इसमें थे। इट इस ईयर कंस्टिट्यूट्स ऑफ 18 मंथ्स, इसके जो महीनों की तादाद थी वो 18 थी। एवरी मंथ कंस्टिट्यूट्स ऑफ 20 डेज, हर महीना 20 दिन का होता था। द रिमेनिंग 5 डेज वायर कंसिडर्ड इन ऑस्पिशियस। द सेकेंड कैलेंडर जो उन्होंने प्रिपेयर किया, तैयार किया बाय द मायनस वॉज ए रिलीजियस वन। इट इस ईयर कंस्टिट्यूट्स ऑफ 260 डेज, इसके जो दिन थे वो 260 डेज। इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीस्ट्स, ये प्रीस्ट के दौरान प्रीस्टों के लिए था। फॉर द रिलीजियस राइटर्स, फॉर द रिलीजियस राइटर्स अकॉर्डिंग टू ए फेमस हिस्टोरियन, एक बहुत मशहूर फेमस हिस्टोरियन गुजरे हैं जिनका नाम है जे एम रॉबर्ट्स। वो लिखते हैं परहैप्स द मायाज ग्रेटेस्ट एकम्पलिशमेंट वॉज देयर कैलेंडर्स। जो माया हुकूमत, जो माया सिविलाइजेशन ने सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है वो है कैलेंडर्स। उन्होंने दो कैलेंडर्स दिए, एक है सोलर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर में 365 दिन थे, और दूसरा कैलेंडर उन्हें रिलीजियस कैलेंडर दिया था जिसमें 260 दिनों का था। तो जो पहला कैलेंडर 365 डेज का था उसमें 18 मंथ थे, हर एक मंथ 20 दिन का हुआ करता था। दिस वाज अबाउट द माया सिविलाइजेशन। इंशाल्लाह इसी जो हमारा जो चैप्टर कंफेडरेशन ऑफ कल्चर्स है, इंशाल्लाह इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट और टॉपिक्स रह गए इनको हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे चलाने की कोशिश करेंगे। तो कल इंशाल्लाह दूसरे हम क्लास में इसी माया सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए इनके डाउनफॉल कैसे इसका शुरू हुआ, ये जवाल पजीर ये सिविलाइजेशन कैसे हुआ। तब तक के लिए भी अमानिल्लाह।